नमस्कार, मैं अब्दुल शेख, तत्काल न्यूज लाइव नागपुर से। अभी हम खड़े हैं वैशाली नगर के मिलिंद नगर। यहाँ पर जो कोरोना का जो पाड़ा है उसकी जो पूजा दी जा रही है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। यहाँ पर से जो 200 पूजा दी जा रही है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और हजारों की तादाद में 200 पूड़ियाँ मिल रही है। इसमें से कई लोग मतलब पूड़ियों के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। भैया बताइए, आप कब से वापस जा रहे हैं? आपको पूड़ी नहीं मिली? कल भी आया था, कल भी वापस गया। यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, नाम लिख रहे, बाकी कुछ मतलब पूड़ियाँ नहीं मिली। टाइम पे आ रहे, लग रहे हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं, 9 बजे से 11 बजे का टाइम ले रहे हैं, 12 बज जा रहे हैं। तो आपको क्या बोला गया? कल मिलेगा, आज आए, आज नाम लिख रहे, आज फिर वापस आए। आप भी वापस आए? हाँ, 3 दिन से वापस आ जा रहे हैं घर में। आज भी नाम लिखे थे? आज भी नाम लिखे। क्या हुआ, आपको काढ़ा मिला है? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। आप भी वापस जा रहे? कितने दिन से वापस जा रहे हैं? 3 दिन से जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? लाइन से आओ। बाकी यहाँ पर लाइन से आने के बाद में यहाँ पर जो भीड़ इतनी है कि यहाँ पर बताइए, इधर के देखो, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी ख्याल नहीं। आइए इधर, आइए इधर, ये देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी ख्याल नहीं है। यहाँ पर अगर से इनमें से एक भी अगर संक्रमित होता है तो इन सबको संक्रमित कर देगा। आप देखिए, हाल यहाँ पर इतना बड़ा है कि यहाँ पर मतलब जो लोगों की भीड़ है, लोगों की भीड़ का मतलब कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रंजीत सर, आप बताइए कि यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर जो भीड़ है और यहाँ पर हमारा, यहाँ से लोगों से मालूम पड़ रहा है कि कोई 2 दिन से वापस आ रहा, कोई 3 दिन से वापस आ रहा, उनको काढ़ा नहीं मिल रहा, और यहाँ पर हजारों की भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है 200 काढ़े की पुड़िया दी जा रही है, तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे आपकी? मैं रंजीत तारे हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का, मैं उत्तर नागपुर प्रभारी हूँ। मैं कम से कम 6 दिन से चांदेकर साहब से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बातें चल रही है चांदेकर साहब से। वो बोल रहे हैं कि मुझे प्रज्ञा मेहरा मैडम सिर्फ 200 पूड़ी देती है, और उन्होंने यानी ये जैसा मिलिंद नगर है यहाँ पे उन्होंने बांटने का काम करना चालू किया है। और कोबड़ागढ़ साहब भी है, उनके साथ में लोग उनको प्रज्ञा मैडम मैडम के यहाँ 2-2, 3-3 बार जाते हैं और सिर्फ उनको 200 ही पूड़ी मिलती है, और हजारों की संख्या में पब्लिक रहती है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अब कोई यानी ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग निभाया जाए करके, अब कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है वो प्रज्ञा मैडम मैडम से कि अगर आप देते हो पूड़ी तो 200 पूड़ी से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 या 2000 पूड़ी दी जाए, नहीं तो अन्यथा ये सेंटर जो है ये बंद करा जाए। क्योंकि ऐसे सेंटर लगाने से क्या मतलब है, जो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और 200 ही पूड़ी में क्या होगा? अगर सही में आपको यानी सेवा करना है तो ज्यादा से ज्यादा पूड़ी दे के सेंटर चालू करना चाहिए। और इन्होंने बोले है कि ऑनलाइन पद्धति से भी हम काढ़ा देंगे, 4 पूड़ी मिलेगी, तो हम 100 रुपए हम चार्ज लेंगे, यानी जो होम डिलीवरी करेगा तो उसको यानी हम 100 रुपए चार्ज देंगे। होम डिलीवरी करने वाले का चार्ज 100 रुपए अलग से लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में, थोड़ा इधर बताइए, देखो हजारों की तादाद में, उधर बताइए, उधर यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग, अभी ये लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? यह आना के 3-4 दिन से वापस जाने के बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, काढ़ा नहीं मिला जा रहा है, इनको नहीं बोला जा रहा है कल मिलेगा। तो जब इतने हजारों की संख्या है तो यहाँ पर मैं अनुरोध करूंगा मैडम से कि यहाँ पर एक तो काढ़े की तादाद बढ़ाई जाए, ये यहाँ पर जो काढ़ा दे रहे हैं वो लोगों की भी तादाद बढ़ा दिया जाए, या तो फिर इनका और कोई जगह सेंटर खोल के बाकी लोगों को डिवाइड करके वहाँ पर काढ़ा दिया जाए। क्योंकि ये अभी बहुत गंभीर परिस्थिति है कोरोना की, और यहाँ पर इतने क्राउड, इतना भीड़ है कि यहाँ पर एक दूसरे को संक्रमित होने के फुल चांसेस है। हाँ, बताइए रंजीत सर, आप बताइए। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बोले थे भैया 15 सेंटर खोलेंगे और सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पे जो भी सुविधा मिल रही है वो कुछ सुविधा नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनको पूरी दी जाती है, कोई यानी वॉलंटियर नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई महानगर पालिका की तरफ से कोई प्रशासन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, सरकार इनको कोई यानी सुविधा नहीं दे रही है। और डॉक्टर मैडम बोल रही है कि ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सिर्फ बातें हैं,
कोई कुछ कर नहीं रहे हैं, और क्या बोलते थे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का वो तो निभा ही नहीं रहा। अगर कोई संक्रमित रहा, एक भी रहा, जिससे हजारों की संख्या है, तो ये हजारों के संक्रमित हो जाएंगे। तो मैं हाथ जोड़ के वो मैडम से विनती करता हूँ, अगर आपको पूरा देना है तो 200 पूरी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1000 से 2000 पूरी रोज चाहिए। अन्यथा ये सेंटर जो जितने भी आपने 15 सेंटर जो दिए गए वो बंद करना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर मैं अभी कानूनी कार्रवाई करने की यानी कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं खुद अप्लीकेशन दूंगा कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस और पुलिस के माध्यम से इनके ऊपर मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा। और अगर और इन्होंने बोले कि ऑनलाइन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऑनलाइन पे हम फोन कर रहे हैं तो बिजी बता रहे हैं, और दो के बाद में वो टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर सुबह का टाइम दे रहे 10 से 11 बजे का, कुछ और 12 बजे मतलब स्टार्ट हो रहा काले का यहाँ वाटा, उसमें भीड़ और बढ़ती जा रही है। और इन्होंने जो टाइमिंग दिया 10 से 12 तो लोग तो सुबह से 6 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं, तो जो लाइन लगा के सुबह से खड़े हैं हजारों की संख्या में, तो इनको वो 200 पूरी में हजारों की संख्या में नहीं बांट सकते हैं। और ये जो 200 पूरी है समझ आप 10 से 15 मिनट में खत्म हो जा रही है। अब ये जो 800-900 पब्लिक है वो कहाँ जाएगी? बेचारे के घरों में कोई बीमार है, किसी को लगता है कि कोरोना नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी खाना यानी जरूरी है, तो उनके मन में ऐसा लग रहा है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा अपने मन में ना सोचना चाहिए कि यही पूरी खाने से मैं अच्छा हो जाऊंगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपना खुद का ख्याल रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी पूरी खाएंगे तो तुम अमर हो जाओगे या कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने मन में है कि ये पूरी खाने से ऐसा होता है वैसा होता, कुछ नहीं होता है। प्रज्ञा में ऐसा मगर दावा कर रही है कि 50,000 लोगों को मैंने यानी अच्छा किए है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है तुम आप 50,000 लोगों को आज आपने अच्छा किए, तो मैं तो बोलता हूँ कि 50 करोड़ लोगों को आप अच्छा करो, लेकिन उनके लिए आपकी जो पूरी है वो सही तरीके से मिलना चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। वहाँ पर भी बिना मास्क के खड़े, आप जानते हैं कि बिना मास्क वाले को सरकार की तरफ से 500 रुपये फाइन है। अब ऐसा बिना मास्क के खड़े हैं तो ये भी तो गैर जिम्मेदाराना काम है, इसके ऊपर फाइन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है कोई बिना मास्क के खड़े हैं तो सरकार ने उनके ऊपर 500 रुपये का फाइन लगाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो वो कलकत्ता में जो मोदी और अमित शाह और ऐसे कईयों नेता बगैर मास्क से हजारों की संख्या में जब रैली कर रहे हैं, तो जब जनता के ऊपर 500 रुपये का फाइन है तो उनको रोज का कितना फाइन करना चाहिए ये पहले सरकार ने बताना चाहिए, उसके बाद में हमारे ऊपर फाइन लेना चाहिए। आप जानते हैं कि जो लोग वापस जा रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। कितने दिन से वापस जा रहे हैं आप? 2 दिन से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया? अभी नाम लिखे है, कल मिलेंगे। नाम लिखे है, कल मिलेंगे। 2 दिन से वापस जा रहे हैं आप भी यहाँ पर काड़े के लिए आए? आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? 2 दिवस झाले। काड़ा भेटला काय सांगितलं इकडे? आता नाव लिहिला, उद्या भेटणार आहे। उद्या भेटणार आहे, तो तुम्हाला उम्मीद आहे का उद्या पण भेटणार? 2 दिवस झाले तुम्ही परत चालले। आता काम आहे, उद्या भेटते का वेळेचं? हा, उद्या भेटते की नाही भेटते हे मला तुम्हाला सध्या माहित नाही काय। कुठून आले तुम्ही? पंचशील नगर। तुम्ही कुठून आले? पंचशील नगर। तुम्ही कुठून आले भाई? सिद्धार्थ नगर। काडा भेटला तुम्हाला? किती दिवस झाले तुम्हाला इकडे आलं? 2 दिवस झाले। 2 दिवस झाले परत चालले तुम्ही तसेच बिना काढायचे? आता काय सांगितलं तुम्हाला? उद्या या तुम्ही पण? तुम्हाला पण 2 दिवस झाले। कुठे राहतो तुम्ही? यादव नगरला। आता काय सांगितलं तुम्हाला? आता त्यांनी नावं लिहिलेले आहे आणि उद्या ज्यांची नावं लिहिले आहेत त्यांना मिळेल असे म्हणत आहेत, आश्वासन दिलेलं आहे। आता तुमचं नाव लिहिलं? आता चल बघा, उद्या बघतो आपण काय तुम्हाला भेटतं का नाही भेटतंय, मग नंतर आपण काय करायचं करतो। मग हा बोला साहेब। माझं नाव रमेश धापळकर आहे। हा थोडं जोराने बोला। रमेश धापळकर नाव आहे माझं। हा कुठून आले तुम्ही? नाईक तला बांगलादेश आलो मी। हा सकाळी 6 वाजता पासून लागलेलो साहेब। हा नंबर लागलाय मला माझ्या मला, पण हे खूप खरं तर चांगली जनतेची सेवा करत आहे माझं एवढं म्हणणं आहे। मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोग नकदी पैसे देके ला रहे हैं, जिन लोगों को आज टोकन मिला है उनको आज हम दे रहे हैं, और जिन लोगों को टोकन नहीं मिला उनके नाम हम लोगों ने लिख लिया अभी कल के लिए, और जो कल की लिस्ट बनी हो पूरी की पूरी लिस्ट हम अब प्रचार के पास देने वाले हैं, और उनको डिमांड करने वाले हैं कि भैया हमारे यहाँ 1000 लोगों के नाम लग रहे हैं, लाइन लग रही है, तो आप कम से कम हमको 2000 पूरी तो दो ताकि लोगों को सेवा कर सके। आप बोलते हैं कि 150 रुपए भी नहीं लूंगा और आप 151 में नहीं बेच सकते, तो ऐसे वक्त हमारा उनसे अनुरोध है कि कम से कम सेवा के माध्यम से जितने लोग हमारे लाइन में रखते हैं उन सब लोगों तक के हमारा काढ़ा पहुंचना चाहिए।
सर आप ये बताइए कि जो काड़ा आप वहाँ से ले रहे हैं प्रज्ञा मेश्राम के पास से, जी जी, तो प्रज्ञा मेश्राम जी मैडम के पास से आप जो काड़ा ले रहे हैं, तो आपको काड़ा मतलब संस्था के तरफ से मतलब आप पैसा दे रहे हैं या अपने जेब से पैसा दे के मतलब सेवा कर रहे हैं? जितना काड़ा ला रहे हैं उसका एडवांस में पेमेंट देके काड़ा लेके आ रहे हैं। हम सिर्फ सेवा के माध्यम से यहाँ काम कर रहे हैं, हमको इसमें एक रुपए का भी प्रावधान नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कि 150 में लेके 151 में दे रहे हैं। तो जो पैसा है आपकी संस्था की तरफ से मतलब दिया जा रहा है लोगों को? नहीं, हम अपना पब्लिक, हमारे पास जो पैसा हमारा खुद का, हाँ। तो हमने जमा किया उनके पास में, हाँ। और उसके बाद में हम लोग ये काड़ा लेके आगे बांट रहे लोगों को। अच्छा, तो सर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने भी देखे और मैं भी देख रहा हूँ, हाँ। सर यहाँ पर जो लाइन लगी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, तो सर इसके लिए आपकी क्या तैयारी? हमने सर सबको हाथ जोड़ के विनती की हुई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, इसलिए हमने समय के पहले सबको कूपन टोकन बांट दिया है। हम उनसे फिर से अनुरोध करेंगे कि आप जिनके पास टोकन है उन सब लोगों को मिलेगा, कृपया दूर दूर रहिए। हमारा जितना माल है जितनी टोकन हमको मिला है उतना ही हम लोगों ने टोकन बांटे है, 200 पुड़ी मिली है, 100 टोकन बांटे हुए है, और एक व्यक्ति को हम 2 पुड़ी दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर सबर नहीं कर रहे, हम आप ही के लिए यहाँ पर आए, क्या जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए? यहाँ पर जो 200 पुड़ी आ रही है ये हजारों की तादाद लगी हुई है, अब पुड़िया बढ़ेंगी तो आप लोगों को इतनी लंबी लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, इतना धूप में परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर क्राउड देखिए, अभी हम लोग जब इनसे बाइट लेते हैं कैमरा इनके तरफ जाता है तो ये लोग दूर दूर हो जाते हैं, उसके बावजूद फिर देखो भीड़ यहाँ पर, ये देखिए भीड़। अभी नाम लेगा तो ना नाम लेना बंद कर दिए, लाइन लगा जाओ। कितने का लिया आपने? 300 रुपए का। कितना काटा? 300 रुपए का, 2 पुड़ी। हाँ, 2 पुड़ी 300 का। आप कब आए यहाँ पर? सुबह 6 बजे। 6 बजे से? अच्छा, आपको आज आए, आपको काड़ा मिल गया आज, 150 रुपए का एक पूरी आपको मतलब दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। धज्जियां उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। आप देखो क्राउड कितना है, आप इसके अंदर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें अगर एक भी संक्रमित होता है तो सर सबको संक्रमित हो जाएगा यहाँ पर। आप सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कराइए सर,